आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, सिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप एक ट्रक के नीचे आने से एक रूपनारायणपुर निवासी की मौत मौके पर ही हो गई। व्यक्ति का नाम प्रोदुत मजुमदार बताया जा रहा है, जो पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना में बाइक सवार की ही गलती थी। ट्रक चितरंजन की ओर जा रहा था, तभी पीछे से बाइक सवार ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश में ट्रक के पिछले चक्के के पीछे आ गया, जिसमें बाइक सवार की उसी समय मृत्यु हो गई। बैंक के सामने पार्किंग की समस्या होने से सभी वाहन सड़क के किनारे ही खड़े होते हैं, जिससे सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने बैंक प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए। हम लोग दुकान में काम कर रहे थे, देखे आवाज आया, वहाँ पे जाके देखे तो बाइक वाला तो गिर गया सब। तो किसके किसके गलती से हुआ, कैसे हुआ? बाइक वाला गलती था, ओवरटेक कर रहा था बाइक। अच्छा। ट्रक से ओवरटेक करने किया, ट्रक का डाला से लग गया, स्पॉट डेथ हो गया। हाँ। कहाँ ले गया? पुलिस आया, पुलिस गाड़ी लेके चल गया था, गाड़ी में एम्बुलेंस भी नहीं। अच्छा, ये कैसे यहाँ ऐसे घटना कहाँ घटता है? यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है बैंक में। अच्छा, बैंक लाइन ना कहाँ तक है उसी लिए। तो यहाँ पार्किंग की जगह भी नहीं है बैंक नहीं। तो हमेशा ऐसा घटना घटते रहता है ना? यहाँ पर घटना घटा था सोमनाथ करे कोई लड़का, उसका नहीं पता था। आपका नाम? शुभम नाम। मंगलवार को माकपा तथा वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से बल्लभपुर ग्राम पंचायत प्रधान आशीष राय को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके तहत कई मुद्दों की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। इनमें आयकर की सीमा से बाहर रहने वालों को महीने में 7500 रुपये नकद देना, सभी गरीब लोगों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड देना, मनरेगा में 100 दिन के बदले 200 दिन का काम और 600 रुपये दिहाड़ी की मांग की गई। वामपंथी नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा के सुपरवाइजर श्रमिकों की पारिश्रमिक के बदले कटमनी लेते हैं। उन्होंने इस धांधली को बंद करने की मांग की। सभी गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के गृह निर्माण परियोजना के लिए घर का इंतजाम करना, हर शख्स के लिए 10 किलो अनाज की आपूर्ति करना, इलाके में बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाना, साथ ही अनफान पीड़ित के मुआवजे के लिए नामों की सूची जाहिर करने के सहित और भी कई मुद्दों के तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में रानीगंज विधायक रोनू दत्ता, सुप्रियो राय, हेमंत प्रभाकर, बिट्टू शर्मा, सरस्वती मिश्रा सहित माकपा और सीटू के कई नेता शामिल थे। सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने बल्लभपुर के स्थानीय TMC नेतृत्व में अनफान पीड़ितों के लिए आए मुआवजे के बंटर बाट की संगीत आरोप लगाया। हम राज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत तार साथे साथे हमारे इलाका स्थानीय जे दाबी सही दाबी गुलों के जुक्त करे से हमरा डेपुटेशन दिए छी अपनारा जानें, किंतु তার কোনো আমি বললাম যে